माँ आशापुरा विद्या संकुल से मैं हेतल गोस्वामी आज आपको स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट संस्कृत और उसमें आज का टॉपिक हमारा है ग्रामर का, जो वर्तमान काल के आत्मनिर्भर के बारे में है। आगे के वीडियो में मैंने आपको वर्तमान काल के परस्पर पद के बारे में बताया था, इसी तरह आज हम क्या सीखेंगे, वर्तमान काल के आत्मनिर्भर, जिसमें पहले मैंने आपको जो कराए थे वो मी वह मोह वाले, इसी तरह आज हम आत्मनिर्भर के रूप में सबसे पहले क्या जरूरी है, घन, और उसका दूसरा प्रकार है विकरण प्रत्यय। अब यह घन है, उसके चार, जो कितने घन है, चार घन है, तो वह पहला, चौथा, छठा और दसवां घन, यह इसके नंबर्स है। इसके अलावा जो विकरण प्रत्यय है उसमें जो पहला घन है उसका विकरण प्रत्यय कौन सा है, अप्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, अप्रत्यय। इसी तरह चौथे घन का विकरण प्रत्यय है य प्रत्यय, इसी तरह छठा घन जिसका विकरण प्रत्यय है अ, और दसवां घन उसका विकरण प्रत्यय है अय। अब यह जो प्रोसेस है वह हमने आगे के वीडियो में, जब भी हमने परस्पर पद के जो रूप दिए थे उसमें भी थे। इसी तरह यह घन में पहला जो घन है अ, य, अ और अय, इसी प्रत्यय के जुड़ने से यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, वह वर्ड को हम संधि के नियमानुसार यह प्रत्यय है इसको हम जोड़ेंगे तभी यहाँ पे हमें उसका पूरा रूप मिलेगा, ठीक है। जिसमें पहला वर्ड कौन सा है, लघु। अब ये लघु है, इसके नीचे क्या है, अंडरलाइन है, जिसे हम हलक के नाम से जानेंगे। लघ है, यहाँ पे स्वर है इनका, यह आधा स्वर है, तो लघु प्लस अ, लघु प्लस अ इक्वल टू लघु, यहाँ पे लघु प्लस अ, जब हम लघु ऐसा बोलते हैं तो पीछे क्या आता है, तो यहाँ पे अ का उच्चार आता है, इस उच्चार के कारण यहाँ पे ये व है वो हलक वाला है, तो हलक वाला निकल जाएगा और लभ यहाँ जुड़ने से अ जुड़ने के कारण यहाँ पे लभ वर्ड बनेगा। इसी तरह है मन प्लस य इक्वल टू मन। अब विकरण प्रत्यय य, इसका मन इसके साथ जुड़ने के कारण न है, वह भी हलक वाला है, तो इसका यहाँ से जुड़ने के कारण क्या बना, मन, पूरा वर्ड क्या बना, म न, तो जो आधा स्वर वाला वर्ड था वो जुड़ के बन गया मन। इसी तरह छठा घन प्रत्यय अ, प्रत्यय अ, जिसमें विकरण प्रत्यय अ और विकरण प्रत्यय अ, छठा घन और पहला घन जुड़ने के कारण दोनों यहाँ सेम ही है, तो मिला जिसमें ल है हलक वाला, इसी तरह प्लस अ इक्वल टू मिल। अब इन दोनों के जुड़ने के कारण क्या बना, मिल। इसी तरह दसवां घन प्रत्यय अय, रच प्लस अय, क्या है, रच प्लस अय, यहाँ पे अय प्रत्यय रच, तो पीछे क्या आता है य, उच्चार क्या आया य, तो इसका रच प्लस अय, अय छोड़ने के कारण पूरा वर्ड क्या बना, रच। आपको इतना समझ में आया, विकरण प्रत्यय और उसके घन और उसके दोना, जो इससे जो वर्ड बनते हैं विकरण प्रत्यय से, पूरा जो इसका मूल रूप आता है वह यह इस यह बॉक्स से हमने सीखे। इसी तरह यह क्या है कि वर्तमान काल के पहले हमने मी वह वाले रूप किए, अब है आत्मनिर्भर पद के रूप, जिनमें पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा क्या है, अन्य पुरुष, जिसे हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं। इसी तरह अब यहाँ क्या है, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। अब यहाँ पे उत्तम पुरुष पहले पुरुष में फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा, ई, इसमें एक वचन में। इसी तरह द्वितीय वचन में क्या आएगा, वह,
इसी तरह बहुवचन में आएगा महे। इसी तरह मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन क्या है से, एक वचन इसका क्या बना से, द्विवचन इसका बना इथे और बहुवचन इसका बना द्वे। इसी तरह हम बनाएंगे अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन जिसका एक वचन है ते, दूसरा वचन है इते और बहुवचन क्या है अन्ते। पूरा का पूरा एक बार और रिपीट, ई वहे वहे, से इते त्वे, ते इते अन्ते। यह क्या है वर्तमान काल का आत्मनेपद पद का रूप का टेबल। अब हमें इसे याद रखना है, इसके द्वारा हम हमारा जो यह वर्ड था लव प्लस और इक्वल टू लव जिससे लव वर्ड बना था, इसके दौरान हम इससे क्या बनाएंगे ई वाले जो हमारे आत्मनिर्भर के रूप है वह हम बनाएंगे। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन एक वचन लव लव इसका क्या बनेगा लभे। इस तरह यहाँ पे ई वर्ड है इसीलिए तो लभे। द्वितीय वचन तो क्या बनेगा वहे, तो वहे का लभा वहे। इसी तरह है महे, तो उत्तम पुरुष का फर्स्ट पर्सन का बहुवचन क्या बनेगा लभा महे। मध्यम पुरुष का सेकंड पर्सन एक वचन लभा से, यहाँ से ठीक है। इसी तरह मध्यम पुरुष का सेकंड पर्सन द्वितीय वचन क्या बनेगा लभा से। इसी तरह मध्यम पुरुष का सेकंड पर्सन बहुवचन लभ द्वे, यहाँ पे हमने लिखा है लभ द्वे ठीक है। इसी तरह अन्य पुरुष लभ ते और अन्य पुरुष द्विवचन है लभ ती और अन्य पुरुष क्या है अंते, तो लभन ते। पूरा का पूरा एक और बार लभे लभा वहे लभा महे लभ से लभ सी लभ द्वे। इसी तरह लभते लभती और लभन्ते। अगर हमें बोर्ड की एग्जाम में हमारा जो सेक्शन है सेक्शन नंबर टे जिसमें ग्रामर का पूरा क्वेश्चन है, जिसमें अगर हमें पूछा जाए कि वर्तमान काल के आत्मनेपद पद के आ मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप लिखें, तीन ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें से हम क्या चुनेंगे मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन एक वचन क्या आएगा लभ से। इसी तरह ही हमें सारे रूप पूछे जाते हैं तो सही जो उसका आंसर है वह हम लिखेंगे। इसी तरह मन प्लस य इक्वल टू मन, तो मन का हम कैसे बनाएंगे मने मना वहे मना महे। इसी तरह मन से मनसी और मन द्वे, मनते मनति और मनते। इसी तरह छठे गण का अप्रत्यय मिल प्लस अ जुड़ने के कारण मिल बना था, तो मिल का भी हम रूप बनाते हैं किसके कारण कि वर्तमान काल का आत्मनेपद का मिल का आप रूप बनाएं, तो उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन मिले मिला वहे मिला महे। मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन तो मिलसे मिलसी मिला द्वे। इसी तरह अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन मिलेगा तो मिलते मिलती मिलते। इसी तरह रच का हम बनाएंगे तो रचते रचा वहे रचा महे, रचते रचसी रचा द्वे। इसी तरह अन्य पुरुष का थर्ड पर्सन रच तो रचते रचती रचत ठीक है। इतना समझ में आया, इसके अलावा और भी है जैसे कि विद्ये, तो विद्ये का कैसे बनाएंगे विद्ये विद्या वहे विद्या महे। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन विद्यसे विद्यसी विद्या द्वे, विद्यते विद्यति विद्यते। इसी तरह ही जल्दी से मैंने एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आपको दिए जैसे कि जनी से, तो जनी से का हम कैसे बनाएंगे उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो क्या है जनी से, तो जनी से जनस्य वने जनस्य मने ठीक है।
यह आज के हमारे जो रूप थे वह वर्तमान काल आत्मनेप पद के रूप। वर्तमान काल के पहले परस्मै पद और यह आत्मनेप पद के रूप हमें घर से याद करके रखना है और इसके जो रूप हैं उसे हमें बार बार रिवाइंड करना है। इससे क्या होगा कि हमें यह रूप है घर जो हमें ये याद रह गया तो इसे बनाना हमारे लिए आसान है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियो में मैं आपको आगे के जो रूप हैं वह सिखाऊंगी। थैंक यू।